एक रात दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। ऑफिस से घर लौटने में देरी हो गई थी। सोनिया, जो एक विज्ञापन एजेंसी में काम करती थी, ने अपनी सहकर्मी रवीना से विदा ली और मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ी। रात के 11 बज चुके थे और बारिश की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सोनिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए स्टेशन पहुंची। स्टेशन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर इस वक्त भी कुछ लोग मिल ही जाते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा था। सोनिया ने टिकट लिया और प्लेटफार्म की ओर बढ़ी। प्लेटफार्म पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। चारों ओर नजरें घुमाने पर भी कोई यात्री नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सोनिया के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में मेट्रो आ गई और सोनिया ने जल्दी से उसमें प्रवेश किया। अंदर भी वही सन्नाटा था। पूरे डिब्बे में सिर्फ सोनिया ही थी। उसने अपनी सीट चुनी और बैठ गई। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। ट्रेन के बाहर की खिड़की से पानी की बूंदें टकरा रही थीं और अंदर की हल्की लाइटें एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। सोनिया ने अपने फोन में संगीत लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कोई गाना नहीं बज पाया। उसने फोन वापस बैग में रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई और बाहर की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई। सुरंग के भीतर की अंधेरी छाया और ट्रेन की धीमी धीमी आवाज ने सोनिया के दिल की धड़कनें तेज कर दी। सोनिया ने देखा कि उसके डिब्बे के अगले हिस्से से एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह थोड़ी डरी, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। परछाई धीरे धीरे करीब आ रही थी। सोनिया ने हिम्मत जुटाई और उठकर देखने की कोशिश की कि आखिर वह क्या है। जैसे ही वह उठी, ट्रेन ने अचानक एक झटका दिया और सोनिया अपने सीट पर गिर पड़ी। उसने देखा कि वह परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी। यह एक लंबी काली आकृति थी, जिसकी आंखें लाल रंग की थीं। सोनिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने बिना कुछ बोले अपनी उंगली सोनिया की ओर इशारा किया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सोनिया की सांसें थम सी गई थीं। वह उठी और डरते डरते डिब्बे के अगले हिस्से की ओर बढ़ी। उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी ट्रेन के स्पीकर से एक आवाज आई, अगला स्टेशन कश्मीरी गेट, कृपया दरवाजों से दूर रहें। सोनिया ने राहत की सांस ली कि अब वह जल्द ही घर पहुंच जाएगी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और दरवाजे खुले, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले, एक अजीब सी ठंडक अंदर आई और सोनिया ने देखा कि बाहर का स्टेशन बिल्कुल वीरान था, कोई भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन से बाहर निकली। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा था और केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। सोनिया ने स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वह एक दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंची और देखा कि वहां भी कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। वह औरत धीरे धीरे सोनिया की ओर बढ़ने लगी। सोनिया डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी वह औरत जोर से चीखी और उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज गई। सोनिया भागने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह हांफते हुए एक कोने में छिप गई और प्रार्थना करने लगी कि कोई उसे बचा ले। अचानक स्टेशन की लाइट्स बुझ गईं और सब तरफ अंधेरा छा गया। सोनिया ने अपने बैग से फोन निकाला और उसकी लाइट ऑन की। उसने देखा कि वह औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह औरत चीखते हुए बोली, तुम यहां से नहीं बच सकती, ये जगह तुम्हारी कब्रगाह है। सोनिया ने जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह औरत उसके सामने फिर से प्रकट हो गई। सोनिया ने हिम्मत जुटाकर औरत से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वह औरत जोर से हंसने लगी और बोली, मैं इस स्टेशन की आत्मा हूं, यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता। सोनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह औरत उसके सामने आ जाती। सोनिया की सांसें तेज हो गई थीं और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी सोनिया के फोन की बैटरी खत्म हो गई और अंधेरा फिर से घना हो गया। उसने महसूस किया कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। तभी
स्टेशन पर एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, सोनिया उठो और यहां से भागो। सोनिया ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा है। वह आदमी बोला, मैं इस स्टेशन का पूर्व कर्मचारी हूं। ये औरत एक पुराने हादसे में मारी गई थी और अब हर रात यहां लोगों को परेशान करती है, तुम्हें इससे बचना होगा। सोनिया ने हिम्मत जुटाई और उस बुजुर्ग आदमी के साथ चलने लगी। वह आदमी उसे एक गुप्त रास्ते से बाहर ले गया और सोनिया ने देखा कि अब वह स्टेशन से बाहर आ चुकी है। सोनिया ने राहत की सांस ली और उस आदमी का धन्यवाद किया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन ध्यान रखना, इस स्टेशन पर कभी भी वापस ना आना। सोनिया ने घर पहुंचकर अपने दोस्तों को यह पूरी घटना सुनाई और वे सब हैरान रह गए। इस घटना ने उसे जीवन का एक नया पाठ पढ़ाया कि कभी भी अनजानी और रहस्यमयी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इस भयानक रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया और उसने यह ठान लिया कि अब वह कभी भी रात में अकेले यात्रा नहीं करेगी। उसने अपने दोस्तों से भी वादा लिया कि वे भी हमेशा सतर्क रहेंगे और कभी भी इस तरह के खतरों का सामना नहीं करेंगे।